हेलो दोस्तों, देखिए मार्केट में अच्छी खासी गिरावट चल रही है। ड्यूरिंग द मार्केट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अब गिरावट तो चल रही है, क्या गिरावट कंटिन्यू रहेगी? ठीक है, शायद हो सकता है 1-2 दिन गिरावट और रहे, ठीक है, या फिर और थोड़ी सी वह गिरावट हो जाए, डिपेंड करता है हर चीज पे। बट स्टिल मैं अपने बारे में बताऊंगा और यहाँ पर एग्जैक्टली हमें क्या करना है, ठीक है, और किस तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, अभी इस गिरावट का फायदा कैसे उठा सकते हैं, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि आपको कौन से शेयर में यहाँ पर पैसा लगाना है ताकि इस गिरावट का फायदा उठे मिले, जैसे ही मार्केट रिकवर हो शेयर ऊपर जाए और आपके पैसे बनते हुए नजर आए। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे सब चीज। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़ू, सबसे पहले आपसे चाहूंगा कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करें, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, सीखना है। सीखने के लिए क्या है, वीडियोस, जितना वीडियोस देखेंगे उतना पैसा यहाँ पर आप बनाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। साथ में अगर आप कुछ और अच्छे से सीखना है, शेयर क्यों भागते हैं, कब भागते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम ऊपर के लेवल पे ऑलरेडी निकल चुके हैं, ठीक है, इसलिए आपको बताऊंगा कि लास्ट तक वीडियो में देखिएगा। बेसिक टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, कब लेना है, क्यों लेना है, किस लिए लेना है, कब लेना है, 25,000 रुपए का कोर्स है, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग है, क्यों, क्या, कैसे, स्टेज 1, 2, 3, 4 क्या होती है, वो सब चीज बताऊंगा। 8860540501, 8169261037, 20 से 25, 30 दिन का कोर्स है, सब कुछ अच्छे से स्मूथली समझ में आएगा, अच्छे से काम करते हुए नजर आओगे, अच्छे से पैसा बनाते हुए नजर आओगे। जब गिरेगा तो वेट नहीं करोगे कि नीचे, है ना, पैसा रहेगा तो ही तो बाई कर पाओगे। लोग कहते क्या जरूर देते हैं, मौका मिल गया है, नीचे गिर गया है, बट नीचे गिर गया है, आप ऑलरेडी बैठे हुए हो पैसों पे, ठीक है, आप ऑलरेडी टॉप पर लेके बैठे हुए हो, तो कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कोई खजाना तो नहीं छुपा हुआ, और ना ही कोई ऐसा चीज है कि हम अभी बेचे और तुरंत पैसे निकल आए, राइट? तो पैसा बनेगा, यही बनेगा, बट आपको चीजों को समझना होगा, आंख बंद करके, लोगों की बातों पे विश्वास करके ऐसे पैसे नहीं बनता। और तब जब आपके पास ना तो 1,000 करोड़ है, ना 2,000 करोड़ है, ना ही 100 करोड़ है, आपके पास कुछ फ्यू थाउजेंड है, फ्यू लैक्स है, ठीक है, या फिर फ्यू करोड़ है, 1-2 करोड़, 3 करोड़, ठीक है, वो भी पैसा कोई ज्यादा बड़ा पैसा नहीं है। तो इस चीज को आपको समझ के उस हिसाब से काम करना, तो जानेंगे सब चीज। वीडियो में आगे बढ़ते, देखिए मार्केट में गिरावट हो रही है, ठीक है, लेवल्स में फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पर 1990 के आसपास का एक लेवल है 18,054, ये दो 18,854, ये दो लेवल है, यहाँ पर टिक गया, टिक गया, अदरवाइज फिर गिरावट क्या है, गिरावट फिर 17,868 के आसपास है, फिर उसके बाद तेजी होती हुई नजर आएगी। बट याद रखिए, गिरावट जरूर होगी, बट कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो निकलते हुए नजर आएंगे, या फिर ये गिरावट का फायदा आप कैसे उठाएंगे, तो एक स्टॉक्स मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है, एक स्टॉक से रिलेटेड मैं बातें कर रहा हूँ, उस चीज को ध्यान से आप देख लीजिएगा। तो जिस स्टॉक से रिलेटेड मैं बातें कर रहा हूँ उसका नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड, ठीक है, 490 रुपए पे शेयर है, ठीक है। और आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इस स्टॉक्स को हम नीचे पहले हमने लिया था 428 रुपए के आसपास, और यहाँ पर जब ये ऊपर था ना, हम यहाँ पर बेच के निकल चुके हैं, ठीक है, और इसलिए बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, और चीजें नीचे आ रही है तो शायद दोबारा एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर पेश कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर शेयर को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए अच्छे शेयर जब गिरते हैं ना तो थोड़े से ही गिरते हैं। अब आप कहोगे सर ये शेयर कैसे निकालते हो, कैसे करते हो, तो आप जब मेरी क्लास में आओगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि मेहनत की जाती है, तब जाके हमें अच्छे शेयर मिलते हैं, हम टाइम पे लेते हैं, और कितना टाइम लगा, मुश्किल से 15 दिन के अंदर अंदर हमें 37 से 40% के रिटर्न बन गए, हमारे बन गए, चुपचाप हम बेच के निकल गए, ठीक है ना। तो जो भी हमारे साथ काम कर रहा है वो इसी तरीके से काम करता है, आप चाहो तो कांटेक्ट करेंगे ना तो इस इन नंबरों पे, तो आप हमारे साथ काम कर सकते हो, ऐसे शेयर बहुत सारे शेयर है जो इसका फायदा उठा सकते हो। तो आपके सामने ले आया हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये शेयर लगभग 17% क्रैश हो चुका है, और मुझे लगता है कि ये 480 रुपए तक आता हुआ नजर आएगा। तो बात कर लेते हैं शेयर से रिलेटेड, करती क्या है कंपनी, ये देखिए, लिमिटेड इज अ फ्लैगशिप कंपनी ऑफ पीजी ग्रुप, एंड व्हाइल पीजी ग्रुप हैड स्टार्टेड इट्स जर्नी 1977, वाज फॉर्मली सेट अप इन 2003 एंड इज लीडिंग डाइवर्सिफाइड इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर है, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग करते हुए नजर आते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हुए नजर आते हैं, ओडीएम ओईएम में काम करते हैं, प्लास्टिक इंजेक्शन मॉडलिंग है, 50+ लीडिंग इंडियन प्लस में ग्लोबल ब्रांड्स को ये क्या करते हैं, कैटर करते हुए नजर आते हैं, उनके साथ काम करते हुए नजर आते हैं, उनके लिए सामान बनाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर आप जाइए, इनके बारे में पढ़िए,
आपको काफी चीजें समझ में आएगी। देखिए वॉशिंग मशीन बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है, अलग अलग तरीके के यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर आते हैं, जाके आप देख लीजिए तो आपको एक पूरा का पूरा आइडिया नजर आ जाएगा कि कंपनी क्या से क्या बनाती हुई नजर आती है। देखिए एलईडी टेलीविजन, एयर कूलर, वॉशिंग मशीन, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ये बनाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर देखिए बाथरूम फिटिंग, ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स, एयर कंडीशनर, ये सारी चीजें बनाते हुए नजर आते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, और वहां से ये क्या करते हैं पैसा बनाते हुए नजर आते हैं। इनके क्लाइंट्स कौन है वो देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज देख लीजिए, आपको पूरा एक आइडिया नजर आ जाएगा। शॉर्ट टर्म में आपको चीजें समझ में आ गई है। अब बात करते हैं मार्केट कैप, 12,784 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, मतलब स्मॉल कैप है। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं, दो चीज याद रखिएगा कि हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी है आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर। तो इसे सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियोज मिलती रहे छोटी कंपनी से रिलेटेड। और दूसरी बात, जब हम स्मॉल कैप की बात करें, जब शेयर भागता है ना, बड़ा अच्छा नजर आता है कि शेयर देखिए कैसे कहाँ पर था, ये शेयर 2020 में 4 रुपए पे था, अभी 600 रुपए के आसपास यहाँ पर टच करके नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, और ये गिरावट हमेशा इसमें अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आई है। तो इस चीज को आपको ध्यान में देना है। तो गिरता भी है, भागता भी है, सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, वो सारी चीजें हम अपने कोर्स में यहाँ पर बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 69 का पीए, इंडस्ट्री का पीए कितना है 74, तो अभी भी कहीं ना कहीं सस्ता नजर आता है, बट स्टिल पीए के बेस पे कभी काम नहीं करते, हमेशा कहता हूँ। आरओसी आरओई ठीक ठाक है, 18% की ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर 18 रिटर्न ऑन इक्विटी 18% की है, तो काफी अच्छी मानी जाती है। डेट की बात करें, 42% के आसपास का डेट है, कोई प्लेजिंग नहीं है, ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू 225 है, बुक वैल्यू 39 की है, और उसको काफी ऊपर चल रहा है, फेस वैल्यू 1 की है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर देखें कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है, जो कि इसके शेयर चार्ट पे भी समझ में आ रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कंपनी के रिजल्ट, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर 137 करोड़ की सेल्स कर रही थी और धीरे 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 बढ़ के 1321 करोड़ की सेल्स है इस बार की। ईयरली क्वार्टरली बेस पर परफॉर्मेंस अच्छी है, 131 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर इन 12 क्वार्टर, 84 करोड़ का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर इन नेट 12 क्वार्टर, ईपीएस में यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है, ये चीजें कंपनी की अच्छी है। साथ में ईयरली बेस पर देखें तो कहाँ 200 करोड़ की सेल्स हुआ करती 2012 में, अभी लगभग 3,000 करोड़ की सेल्स के आसपास पहुंच गए हैं। जहां पर कंपनी घाटा किया करती थी वहां पर 135 करोड़ 185 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है, ये चीजें कंपनी की अच्छी है। यहाँ देखिए रिजर्व्स 35 करोड़ से 1,000 करोड़ के रिजर्व्स बन गए हैं, जो 1,000 करोड़ के रिजर्व्स बन गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आगे चल के बोनस मिल सकता है। बोरिंग की बात करें, 435 करोड़ के आसपास की बोरिंग है, मतलब क्या है बोरिंग कम हो रही है, अच्छी बात है। 63 करोड़ रुपए वर्किंग प्रोग्रेस में लगे हुए हैं, इसका फायदा आगे मिलेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैश कंपनी के पास देखोगे तो 182 करोड़ के कैश है, ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा कंपनी का आ रहा है। तो ओवरऑल देखे कंपनी क्या कर रही है, फाड़ रही है कंपनी, है ना, कंपनी अच्छा खासा काम करती हुई नजर आ रही है, पॉजिटिव कैश कैश फ्लोज नजर आते हैं। इसके अलावा देखोगे प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है, 53.56 बीच में बेची है इन्होंने, बट एज इट इज 1 साल से तो बनी हुई है। एफआईज की बात करें, एफआईज लगातार शेयर खरीद रहे हैं, कहाँ पर 1% थे कहाँ पर 11% है। डीआईज की बात करें, 1% से सीधे 10% एफआईज है, डीआईआईज है, प्रमोटर्स है। पब्लिक की बात करें 25% है ना, पर पब्लिक से शेयर जा रहे हैं, और 25% में भी देखेंगे तो 25% में भी कुछ लोग बड़े बड़े यहाँ पर इन्वेस्टर होंगे, ज्यादा लोगों को पता नहीं है, 46,000 पीपल यहाँ पर इन्वेस्टेड है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें और चीजों की, तो यहाँ पर ट्रेड थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर क्या है। तो ओवरऑल देखे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अच्छा खासा काम करती हुई नजर आ रही है। अब बात करेंगे यहाँ पर इसके चार्ट से रिलेटेड की, यहाँ पर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कर क्या रही है, ठीक है, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहे। साथ में हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर ओवरऑल आप यहाँ पर देखोगे तो ओवरऑल सब चीज यहाँ पर क्या नजर आती है, अच्छी नजर आती है, ठीक है, और ओवरऑल चार्ट भी हम देखेंगे तो चार्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये शेयर ऑलरेडी ऊपर से आप देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पर गिर चुका है, ठीक है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पर शायद नेटवर्क में इशू आ गया तो मैं यहीं पर ही समझा देता हूँ। ये शेयर यहाँ पर आप इसे देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इसका हाई, तो इसका हाई कितना है 592 से 490 के आसपास चल रहा है, 17% की गिरावट हो चुकी है, ठीक है, 475 रुपए का 480 के आसपास की बाइंग बनेगी, 475 का स्टॉप लॉस बनेगा। अपसाइड की बात करूं तो मुझे लगता है कि 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर शेयर 1,000 रुपीज तक पहुंचना चाहिए अगर मार्केट में इसी तरीके की तेजी रही तो।
ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, उसी हिसाब से आपको काम करना है, और उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आप किस तरीके से यहाँ पर काम करते हुए नजर आ सकते हो। थोड़ा नेट आ गया है, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं यहाँ पर चार्ट निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये रहा चार्ट, इसका गिरावट हो रही है ना, जैसे कि मैंने बताया 480 के आसपास की यहाँ पर बाइंग बनेगी, है ना, 475 के आसपास का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस, 4-5 का ही रिस्क लीजिएगा, ज्यादा लीजिएगा मैं क्यों, क्योंकि चीजें गिर रही है तो गिर के और नीचे आ सकती है, ठीक है, और नीचे आई तो फिर 400 रुपए पे एक साथ बाइंग करिएगा मत, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप बाइंग करिएगा, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके, ठीक है ना, मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है आपको, चीजों को समझना है, चीजों को सब समझोगे तो पैसा बनेगा, चीजें ऑलरेडी नीचे से बहुत ज्यादा भाग चुकी है, उस चीज को भी ध्यान में रखना है, इसलिए क्या है स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, अगर नीचे होती बिल्कुल ही यहाँ पर होती तो मैं एक बार कहता है चलो स्टॉप लॉस मत फॉलो करिए, है ना, वहां भी करना चाहिए, बट स्टिल ऑलरेडी ये शेयर 1 साल में आप देखोगे कहाँ पर, 1 साल भी कहाँ, कुछ ही दिनों में, ठीक है, कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है, तो अभी आंख बंद करके पैसा नहीं लगाना, आपको आंखें खुली रखनी है, ध्यान रखना है, चीजों को आराम से देखना है, ठीक है, मूवमेंट दिखाई दे उसके बाद यहाँ पर आपको एक्शन लेना है, और वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करिएगा, एक अच्छा शेयर है जो इस गिरावट में आप उसका फायदा उठा सकते हो, वो मैंने आपके सामने यहाँ पर शेयर कर दिया, बाकी मार्केट में गिरावट हो रही है, इसे थोड़ी सी और गिरावट होगी, मैं अपनी बताऊं तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी जितना भी प्रॉफिट था सब कुछ कैश इन कर चुका हूँ, लगभग 50-60% मैं यहाँ पर कैश पे बैठा हुआ हूँ, अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दोबारा पैसा लगाया जाएगा, दोबारा पैसा कमाया जाएगा, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास करोड़ों नहीं है, हमारे पास कुछ ही पैसे है, तो उन पैसों को सही से यूटिलाइज करना यह हमारा फर्ज बनता है ना, और इसलिए मैं कहता हूँ कि सीखना बहुत जरूरी है, जब सीख लेंगे तो सबसे आसान होगा, सीखने के लिए नंबर है, कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, यहाँ पर कोर्स है, साथ में काम करना है तो साथ में काम भी कर सकते हो, तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।